हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज किस नए वीडियो में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने रणजीत सिंह व आंग्ल सिख युद्ध को समझा था। आज किस नए वीडियो में दोस्तों मराठा साम्राज्य के बारे में संपूर्ण विस्तार करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कॉपी पेन को लेकर के बैठिए, आप इसको साथ में नोट भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मराठा साम्राज्य क्या है? मराठा साम्राज्य की नींव शिवाजी के द्वारा रखी जाती है। शिवाजी का कार्यकाल 1627 से 1680 तक रहता है। किनका दोस्तों? शिवाजी का कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1627 से 1680। इनका जन्म 1627 में सिवनेर के किले में हुआ था, और जो सिवनेर का किला है वर्तमान में कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो इनके जन्म की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1627 में सिवनेर के किले में, सिवनेर के किले में। और ये सिवनेर का किला कहां है दोस्तों वर्तमान में? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। इनके माता का नाम जीजाबाई, जबकि पिता का नाम शाहजी था। माता का नाम क्या था दोस्तों? माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम क्या था दोस्तों? शाहजी था। पिता का नाम शाहजी था। शिवाजी को राजनीतिक शिक्षा दादाजी कोड़देव के द्वारा दी जाती है, जबकि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु दोस्तों रामदास थे। कौन थे दोस्तों? रामदास थे। यानी कि राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दादाजी कोड़देव। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? तो दादाजी कोड़देव। दादाजी कोड़देव। जबकि इनके अध्यात्म गुरु रामदास जी थे। रामदास जी के द्वारा दास बोध ग्रंथ की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों अध्यात्मिक गुरु बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, तो अध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदेव, रामदास थे, रामदास। इनके द्वारा दोस्तों दास बोध ग्रंथ की रचना की गई। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दास बोध ग्रंथ की रचना किसने की? तो रामदास, जो इनके शिवाजी के अध्यात्मिक गुरु थे, इनके द्वारा इसकी रचना की जाती है। तो दोस्तों किसकी रचना की उन्होंने? तो दास बोध ग्रंथ की, दास बोध ग्रंथ की रचना करते हैं कौन दोस्तों? तो रामदास। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु, चलिए यहां तक इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो शिवाजी का कार्यकाल कहां से कहां तक रहता है दोस्तों? 1627 से 1680। इनके पिता का नाम शाहजी, जबकि माता का नाम जीजाबाई था। इनका जन्म 1627 में सिवनेर के किले में हुआ था। सिवनेर का किला कहां पे दोस्तों वर्तमान में? महाराष्ट्र में है। और इनके राजनीतिक गुरु दादाजी कोड़देव थे, जबकि आध्यात्मिक गुरु कौन थे दोस्तों? रामदास थे। रामदास के द्वारा दास बोध ग्रंथ की स्थापना की जाती है। शिवाजी की पहली विजय तोरण विजय थी। ये तोरण एक किला था, उसको इन्होंने जीता था। 14 वर्ष की उम्र में जब जीता था इसको। और ये कब जीता था दोस्तों? 1646-47 के मध्य में इन्होंने इस किले को जीता था। तो दोस्तों इनकी पहली विजय कौन सी थी? पहली विजय किसकी दोस्तों? तो शिवाजी की। कौन सी? तोरण विजय। तोरण विजय। और ये तोरण किला इन्होंने कब जीता था दोस्तों? तो ये आपका 1647 के मध्य इस तोरणा किला को इन्होंने जीता था। और कितने वर्ष की उम्र में? तो मात्र 14 वर्ष की उम्र में ये क्या कर लेते हैं? तोरणा किला को जीत लेते हैं। कौन दोस्तों? तो शिवाजी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इन्होंने तीन विवाह किए थे। इनकी पहली पत्नी का नाम साईबाई और दूसरी पत्नी का नाम सूर्याबाई और तीसरी पत्नी का नाम पुतलीबाई था। तो इनके विवाह कितने हुए दोस्तों? तो इन्होंने तीन बार शादी की। शिवाजी के तीन विवाह हुए। इनकी पहली पत्नी का नाम दोस्तों साईबाई, साईबाई, और दूसरी पत्नी का नाम दोस्तों सूर्यबाई। और तीसरी पत्नी का नाम दोस्तों पुतलीबाई था, पुतली
बाई था। साई बाई ने संभाजी को जन्म दिया। सूर्यबाई ने राजा राम जी को जन्म दिया। राजा राम जी को जन्म दिया। जबकि पुतली बाई दोस्तों ये नी संतान थी। क्या थी दोस्तों? नी संतान थी, यानी कि इनकी कोई संतान नहीं थी। किनकी दोस्तों? तो शिवाजी की तीसरी पत्नी कौन? पुतली बाई जी निसंतान थी। तो दोस्तों इनकी कितनी शादी होती है? तीन शादी होती है। पहली पत्नी का नाम सार साई बाई, दूसरी पत्नी का नाम सूर्याबाई, जबकि तीसरी पत्नी कौन थी? पुतली बाई थी। साई बाई ने किसको जन्म दिया? संभाजी को। और सूर्याबाई ने किसको जन्म दिया? राजा राम जी को जन्म देती हैं ये। और पुतली बाई जो थी ये निसंतान थी, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये यहाँ तक अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। फिर से रिकॉल करते हैं, हमारा मेन मकसद है आपको याद कराना। कॉपी किताब में लिखा हुआ है, आप पढ़ लोगे, लेकिन इसको याद कैसे करना है इसको हम बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। शिवाजी का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था दोस्तों? 1627 से 1680। इनके कौन कौन सी घटना, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म 1627 में सिवनेर के किले में हुआ था, वर्तमान महाराष्ट्र में। इनकी माता का नाम जीजाबाई, जबकि पिता का नाम झाजी था। और दोस्तों राजनीति गुरु कौन थे? तो दादाजी कोड़देव थे। जबकि अध्यात्म गुरु कौन थे दोस्तों? तो रामदास थे। रामदास के द्वारा दास बोध ग्रंथ की रचना की जाती है। दोस्तों यहाँ से हमारे यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। और ये दास बोध ग्रंथ की रचना जो है किसने की? तो रामदास जी ने। यहाँ से भी प्रश्न उठा लिया जाता है। इनकी पहली विजय तोरण विजय थी, कब की इन्होंने? 1646 से 1647 के मध्य में। और इनके तीन विवाह हुए। पहली पत्नी कौन थी? साईबाई। दूसरी सूर्याबाई। तीसरी पुतलीबाई। साईबाई किसको जन्म देती हैं? वो संभाजी को जन्म देती हैं। और सूर्याबाई किसको? राजा राम जी को जन्म देती हैं। और पुतलीबाई क्या? निसंतान थी, इनकी कोई संतान नहीं होती। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आगे का प्रारंभिक जो सैन्य अभ्यास होता है, वो बीजापुर के शासक होते हैं आदिल शाह, उनके द्वारा इनका प्रारंभिक सैन्य अभ्यास होता है। किनका दोस्तों? तो शिवाजी का, यानी शिवाजी और आदिल शाह के मध्य क्या होता है? सैन्य अभ्यास होता है। तो प्रारंभिक सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास बीजापुर के शासक, बीजापुर के शासक क्या नाम है दोस्तों? आदिल शाह, आदिल शाह के विरुद्ध होता है। आदिल शाह के विरुद्ध कौन था? शिवाजी थे। और शिवाजी के विरुद्ध कौन था? आदिल शाह। आदिल शाह के विरुद्ध होता है। अब क्या होता है दोस्तों, इसी समय शिवाजी के द्वारा यहां पर दो किले जीते जाते हैं। कौन कौन से? सिंहगढ़ का किला और दूसरा पुरंदर का किला। सिंहगढ़ का किला ये 1643 ईस्वी में जीतते हैं, जबकि पुरंदर का किला 1644 ईस्वी को इनके द्वारा जीता जाता है। तो दोस्तों शिवाजी के द्वारा यहां पर क्या होता है? दो किले जीते जाते हैं। शिवाजी ने क्या किए दोस्तों? दो किले जीते। एक तो 1643 ईस्वी को सिंहगढ़ का किला जीता है, किला। दूसरा दोस्तों 1654 ईस्वी में इन्होंने पुरंदर का किला जीता, पुरंदर का किला। तो दोस्तों इस समय क्या दो किले जीते गए? कौन कौन से? सिंहगढ़ का किला और पुरंदर का किला। किसके द्वारा जीते जाते हैं? तो शिवाजी के द्वारा। अब यहां पर क्या हो रहा है? इनके साम्राज्य का विस्तार हो रहा है, जब और इनकी शक्तियां भी क्या बढ़ती चली जाती हैं। ये बात केंद्र तक पहुंचती है, केंद्र मतलब मुगल सल्तनत तक ये बात पहुंचती है। उस समय मुगल बादशाह कौन होते हैं दोस्तों? औरंगजेब होते हैं। औरंगजेब क्या करते हैं? शिवाजी पर नियंत्रण कसने के लिए व मराठा साम्राज्य जीतने के उद्देश्य से मान सिंह को मुगल सेना के साथ इनके क्षेत्र में भेजते हैं। किनके क्षेत्र में भेजते हैं दोस्तों? तो शिवाजी के क्षेत्र में भेजते हैं। संघर्ष होता है। और दोस्तों यहाँ पर एक संधि होती है, पुरंदर की संधि। कौन सी संधि होती है दोस्तों? पुरंदर की संधि। तो ये पुरंदर का जो जीता था इन्होंने, इसकी संधि हो जाती है, पुरंदर
की संधि। ये संधि दोस्तों 22 जून 1665 को होती है। इस संधि में शिवाजी के द्वारा उनके पास जो 35 किले थे उसमें से 23 किले मुगल बादशाह को दे दिए जाते हैं और ये संधि क्या हो जाती है, समाप्त तो हो जाती है। तो पुरंदर की संधि कब हुई दोस्तों, ये 22 जून 1665 को हुई और इसमें जो शिवाजी के पास 35 टोटल किले थे इसमें से 23 किले ज्यों को त्यों किसको दे दिए जाते हैं, तो मुगल बादशाह औरंगजेब को दे दिए जाते हैं और संधि क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो 23 किसे दिए दोस्तों, मुगल शासक औरंगजेब को दे देते हैं। तो ये मानसिंह के द्वारा ये संधि होती है, फिर किनके मध्य हुई, तो मानसिंह और शिवाजी के मध्य। संधि में क्या था, 35 में से 23 किले किसको दे दिए जाते हैं, तो मुगल शासक औरंगजेब को दे दिए जाते हैं। तो पुरंदर की संधि मानसिंह और शिवाजी के बीच होती है, शिवाजी के बीच होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहां तक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब ये पुरंदर की संधि क्यों हुई, इसके पीछे दोस्तों एक कारण है। 1664 में ये सूरत क्षेत्र जो होता है ये मुगल शासन के अधीन होता है, उसको लूट लेते हैं कौन, शिवाजी। तो दोस्तों 1664 की एक घटना होती है, ये सूरत क्षेत्र जो मुगल शासन के अधीन था ये शिवाजी इसको लूट लेते हैं और यहाँ पर यहाँ से ये भारी मात्रा में धन अर्जित करते हैं, अपने राज्य में लेकर के आते हैं कौन, तो शिवाजी। इसी के विरुद्ध में दोस्तों क्या होता है, औरंगजेब मानसिंह को भेजता है और मानसिंह और शिवाजी के बीच क्या, पुरंदर की संधि होती है। आई होप वीडियो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों पुरंदर की संधि कब हुई, 22 जून 1665 के होती है ना। तो अब क्या होता है दोस्तों, इधर औरंगजेब क्या करते हैं, आगरा दरबार में शिवाजी को आमंत्रित करते हैं राजा की उपाधि देकर। तो शिवाजी को राजा की उपाधि देकर औरंगजेब क्या करते हैं, अपने आगरा के दरबार में आमंत्रित करते हैं। शिवाजी और संभाजी वहां पर प्रस्तुत होते हैं जाकर। तो कौन जाता, कौन कौन है दोस्तों, औरंगजेब इनको बुलाते हैं राजा की उपाधि देकर। तो कहां बुलाते हैं, तो आगरा के दरबार में शिवाजी जाते हैं और कौन जाता है दोस्तों, इनका पुत्र संभाजी। ये वहां पर पहुंचते हैं दरबार में, प्रस्तुत होते हैं, तब औरंगजेब क्या करता है, इसी के विरोध में 1664 की जो घटना होती है सूरत लूट, इसके विरोध में दोस्तों शिवाजी को ये क्या कर लेते हैं, वहां पर बंदी बना लेते हैं। औरंगजेब का मेन मकसद जो था वो शिवाजी को पकड़ना था, तो इन लोगों को राजा की उपाधि लेकर आमंत्रित करते हैं और वहां पर इनको बंदी बना लिया जाता है। तो किसके विरोध में इनको बंदी बनाया जाता है दोस्तों, तो 1664 में जो ये सूरत की लूट करते हैं उसी के विरोध में इनको बंदी बना लिया जाता है। ये वहां कुछ समय तक रहते हैं, वहां से ये भाग आते हैं कौन, शिवाजी। उनके जो कैद से ये वहां से क्या जैसे तैसे निकल आते हैं और वहां से क्या भाग आते हैं, और जिसके कारण इनको बंदी करते हैं सबसे पहले 1670 ईस्वी में सूरत को ये फिर से लूटते हैं कौन, तो शिवाजी। तो दोस्तों देखिएगा, आप कहानी के रूप में इन चीजों को पढ़िए, आपको 100% आपको हमेशा के लिए याद रहेगी ना। तो 1670 में क्या करते हैं, सूरत को पुनः लूटते हैं कौन, तो शिवाजी के द्वारा ये सूरत को पुनः लूटा जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, इधर पता लगता है औरंगजेब को कि यहाँ शिवाजी चले गए या भाग गए, तो औरंगजेब पहले तो इनको राजा की उपाधि देते हैं, बाद में पहाड़ी चूहा की उपाधि देकर संबोधित करते हैं किसको, शिवाजी को। तो इनको शिवाजी को यहाँ पर कौन सी उपाधि मिलती है दोस्तों, औरंगजेब इनको पहाड़ी चूहा बोलता है ना, तो पहाड़ी चूहा की उपाधि दी गई किसको, तो शिवाजी को। किसके द्वारा दी गई दोस्तों, तो औरंगजेब के द्वारा दी गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहाड़ी चूहा की उपाधि किसने दी, औरंगजेब ने दी, किसको दी, शिवाजी को दी। समझ रहे होंगे आप दोस्तों, इसको पूरे विस्तार पूर्वक आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, स्क्रीन शॉट आप लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, अब आगे समझते हैं।
शिवाजी का पहला राज्याभिषेक 16 जून 1674 को होता है। तो इनके पहले राज्याभिषेक की बात करें दोस्तों, तो पहला राज्याभिषेक कब हुआ दोस्तों, तो 16 जून 1674 को होता है। और कहां होता है, तो रायगढ़ के किले में होता है। कहां होता है दोस्तों, तो रायगढ़ के किले में इनका पहला राज्याभिषेक होता है। और करता कौन है, तो गंगभट्ट के द्वारा किया जाता है। इनका पहला राज्याभिषेक किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो गंगभट्ट के द्वारा किया जाता है। तो पहला राज्याभिषेक कब हुआ दोस्तों, डेट पूछ ली जाती है, तो 16 जून 1674 कहां हुआ, रायगढ़ के किले, किसके द्वारा, गंगभट्ट के द्वारा। इनका अंतिम अभियान कर्नाटक अभियान था। इस अभियान में इन्होंने जिंजी के किले को जीता, ये इनकी अंतिम विजय थी। तो अंतिम अभियान पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो इनका अंतिम अभियान कौन सा था दोस्तों, तो कर्नाटक अभियान था, कर्नाटक अभियान। इस अभियान में इन्होंने क्या किया दोस्तों, जिंजी का किला जीता, जिंजी का किला जीता इन्होंने, किन्ने दोस्तों, तो शिवाजी ने किला जीता, और ये इनकी अंतिम विजय थी। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, अंतिम विजय क्या थी शिवाजी की, तो ऑप्शन होता है जिंजी का किला, पर तीन गलत किलों के नाम होते हैं ना, तो जिंजी का किला इनका इनकी अंतिम विजय थी। कौन से अभियान के द्वारा इन्होंने जीता, तो कर्नाटक अभियान, है ना। राज्याभिषेक किसने किया, गंगभट्ट ने किया, समझ रहे। तो अब क्या होता है दोस्तों, 3 अप्रैल 1680 कब, 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी का क्या हो जाता है दोस्तों, निधन हो जाता है, शिवाजी का निधन। तो इनका निधन कब हुआ दोस्तों, 1680 और 3 अप्रैल 1680 में इनका निधन होता है। इनकी जो तीसरी पत्नी थी पुतलीबाई, इनके साथ में सती होती है, तो इनकी तीसरी पत्नी पुतलीबाई क्या होती है, इनके साथ में सती होती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, शिवाजी के साथ में इनकी कौन सी पत्नी सती हुई थी, तो पुतलीबाई इनकी तीसरी पत्नी थी, है ना, जो निसंतान थी, वीडियो के शुरू में हमने पढ़ाया था आपको। तो पुतलीबाई क्या करती है दोस्तों, ये इनके साथ में सती हो जाती है। अब दोस्तों पढ़ते हैं शिवाजी का प्रशासन। तो आइए दोस्तों, अब शिवाजी के प्रशासन को हम बारीकी से समझते हैं। तो शिवाजी का प्रशासन तो दोस्तों, शिवाजी द्वारा अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अष्ट प्रधान का गठन किया। यह हिंदू सिद्धांत पर आधारित था और इस अष्ट प्रधान में 8 मंत्री हुआ करते थे। कितने मंत्री हुआ करते थे दोस्तों, तो 8 मंत्री हुआ करते थे। तो शिवाजी द्वारा अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी नियुक्ति की गई दोस्तों, तो अष्ट प्रधान की नियुक्ति की जाती है, गठन किया जाता है। और अष्ट प्रधान में दोस्तों 8 मंत्री हुआ करते थे। कितने मंत्री हुआ करते थे दोस्तों, 8 मंत्री हुआ करते थे। वो कौन कौन से, आइए देखते हैं। तो पहले थे दोस्तों आप पेशवा, कौन थे दोस्तों, पेशवा का पद था। दूसरा था दोस्तों आमत्या, कौन थे दोस्तों, आमत्या। तीसरे थे दोस्तों सुमेध, कौन थे दोस्तों, सुमेंत। और चौथे थे दोस्तों हमारे चिटनिस, कौन थे, चिटनिस। अब इनका काम क्या था दोस्तों, आइए उसको समझते हैं। तो पहले तो हम 4 को याद करेंगे, अष्ट प्रधान पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, कौन कौन से, पहला पद पेशवा, आमत्या, सुमेंत, और तीसरे चौथे कौन थे दोस्तों, तो चिटनिस, है ना। पेशवा का पद सबसे बड़ा पद होता था इनकी अष्ट प्रधान में, है ना, ये 8 मंत्रियों में सबसे बड़ा पद कौन सा था, पेशवा का पद था। तो ये क्या थे दोस्तों, ये सबसे प्रमुख मंत्री होते थे, सबसे प्रमुख मंत्री होते थे, कौन, पेशवा होते थे।
दूसरे थे दोस्तों आमत्य, जो वित्त मंत्री थे। आमत्य कौन थे? ये वित्त मंत्री थे, यानी पैसों का लेन देन रखते थे। कौन? आमत्य। तीसरे थे दोस्तों सुमेंत, ये क्या थे? ये विदेश मंत्री थे। कौन थे दोस्तों? विदेश मंत्री, ये विदेशों की खबरें लाके दिया करते थे। चौथे थे दोस्तों चिटनीस, ये पत्राचार विभाग के मंत्री थे। कौन? चिटनीस, पत्राचार विभाग विभाग किनके पास था दोस्तों? तो चिटनीस के पास में था। चलिए दोस्तों फिर से पढ़ते हैं। पहला पेशवा, सबसे प्रमुख मंत्री। दूसरे आमत थे, ये क्या थे दोस्तों? ये हमारे वित्त मंत्री, मतलब अष्ट प्रधान के क्या थे? वित्त मंत्री थे। सुमेंत कौन थे दोस्तों? विदेश मंत्री थे। जबकि चिटनीस कौन थे? ये पत्राचार विभाग के थे। फिर चार बच्चे हैं दोस्तों, चलिए मैं इसको यहां पर लिख देता हूं चारों को। तो चार के बाद दोस्तों पांचवे कौन थे? सेनापति। कौन थे दोस्तों? सेनापति, ये सेनापति का कार्य करते थे। छठे थे दोस्तों न्यायाधीश। कौन थे? न्यायाधीश, न्यायाधीश ये निर्णय लेने का कार्य करते थे, यानी न्यायाधीश का कार्य करते थे। कौन दोस्तों? ये न्यायाधीश विभाग के जितने मंत्री थे। सातवें थे दोस्तों, सातवें थे पंडित राव। कौन थे? पंडित राव, ये धार्मिक कार्य वाले क्षेत्र के मंत्री थे। कौन? पंडित राव, प्रमुख सलाहकार भी थे। कौन? पंडित राव। तो धार्मिक कार्य और ये प्रमुख सलाहकार भी थे, प्रमुख सलाहकार थे। कौन दोस्तों? पंडित। अब आठ में थे बकायनविश, बकायनविश ये गुप्तचर विभाग के थे। गुप्तचर विभाग जो था, बकायनविश मंत्री का पद था गुप्तचर विभाग। तो दोस्तों अष्ट प्रधान में आठ मंत्री को आपने समझा, पहले थे पेशवा, आमत, सुमेंत, है ना, चिटनीस, फिर क्या सेनापति, न्यायाधीश, बकायनविश, है ना, और क्या पंडित राव। ये सेनापति का सेनापति और न्यायाधीश का काम न्याय निर्णय लेने का, और पंडित राव का कार्य धार्मिक कार्य में, है ना, और प्रमुख सलाहकार के रूप में ये कार्य करते थे। और जो बकायनविश थे ये गुप्तचर विभाग के मंत्री थे। तो ये था शिवाजी का अष्ट प्रधान। अब क्या होता है दोस्तों, मराठाओं के द्वारा दो कर वसूली की जाती थी उस समय, है ना। तो मराठाओं द्वारा कितने कर लिए जाते थे दोस्तों? तो दो कर लिए जाते थे। कौन कौन से लिए जाते हैं दोस्तों? दो कर वसूली की जाती थी। पहली थी दोस्तों चौथ, और दूसरी थी दोस्तों सरदेशमुखी। सरदेशमुखी चौथ का मतलब होता है दोस्तों एक बटा चार का भाग, मतलब कुल आय का चार का भाग क्या दिया जाता था? और इनको कर के रूप में दिया जाता था। तो एक बटा चार का भाग ये लेते थे। और सरदेशमुखी ये क्या? एक बटा दसवां भाग लेते थे। जिन राज्यों को ये जीत लेते थे, मुगल साम्राज्य के जो अंतर्गत आते थे, उनसे ये चौथ लेते थे एक बटा चार भाग, और अपने जो स्वयं के राज्य थे उनसे क्या करते थे? ये एक बटा दसवां भाग कर लिया करते थे, यानी सरदेशमुखी लिया करते थे। कौन दोस्तों? तो मराठा लिया करते थे चौथ सरदेशमुखी। याद रखना दोस्तों, मराठाओं के द्वारा गौरेला पद्धति को अपनाया गया। किनके द्वारा दोस्तों? मराठाओं ने गौरेला पद्धति को अपनाया। अब ये गौरेला पद्धति क्या होती है दोस्तों? तो ये गौरेला पद्धति में ऐसा होता है घात लगाकर किसी पे हमला करना, यानी ये पहाड़ियों में छिप जाते थे और मुगल सेना जाती होती थी उन पर घात लगाकर ये हमला करते थे, उनके सैनिकों को मारकर ये भाग जाया करते थे। इस पद्धति को गौरेला पद्धति बोलते हैं।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके वीडियो अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में ना आया हो तो दोस्तों वीडियो को एक से दो बार फिर से देखिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।